दोस्तों हम इस डिस्क के डब्बे को लेकर एक ढक्कन में बड़ा छेद और एक ढक्कन में छोटा छेद कर दिया जाता है। यहाँ पे मोटर पे गूंद को लगाया जाता है और फिर यहाँ पे एक डिस्क के ढक्कन को मोटर पे लगा दिया जाता है और फिर एक बड़े से ढक्कन को कुछ इस तरह से काट लिया गया है और फिर उसको एक पंखी बनाकर इस ढक्कन में रख दिया जाता है और फिर ऊपर से दूसरे ढक्कन को लगा दिया जाता है और फिर उस ढक्कन में बगल की साइड से छेद किया जाता है और फिर एक प्लाई को लिया जाता है, उस पर इस मोटर को रख दिया जाता है और फिर स्विच और बैटरी को भी रख दिया जाता है और फिर सभी तारों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जाता है और फिर इसमें पाइप को लगा दिया जाता है और फिर एक बॉक्स को लिया जाता है, उसमें पानी को भर दिया जाता है और जब स्विच चालू किया गया तो यह क्या, यह तो बहुत ही ज्यादा प्लेस में पानी देने लगा। ऐसे ही और भी मोटर वाटर पंप की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे।